एकोंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैव भंग गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर क्वेश्चन नंबर 36 टीएस गरेवाल 2020 एडिशन ऑफ रिटायरमेंट चैप्टर टीएस गरेवाल 2020 एडिशन। सो 36 क्वेश्चन को आप अपनी बुक्स खोल लें पर ध्यान से करना शुरू करें। 36 क्वेश्चन में बोला हुआ है एक्स वाई जेड पार्टनर्स है। सो एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स और ये पार्टनर्स की रेशो क्या दी हुई है 4:3:2। इन पार्टनर्स की रेशो 4:3:2 दे रखी है, ओल्ड रेशो, ये ओल्ड रेशो दे रखी है। और इसमें से क्वेश्चन में बोला कि वाई रिटायर कर गया, वाई के रिटायर करने के कारण आप एक्स और जेड बच गए, एक्स और जेड के बीच की रेशो दे रखी है क्वेश्चन में 2:1। ये आपको ई पॉइंट में बोला कि एक्स और जेड की रेशो 2:1 है, नई वाली रेशो, ये न्यू रेशो हो गई है। वाई रिटायर कर गया, वाई के रिटायर करने के बाद हमारे पास एक्स और जेड बच गए, सो वाई रिटायर करा, तो न्यू रेशो एक्स और जेड की ये हो गई है। जब भी हमारे को ओल्ड रेशो एंड न्यू रेशो दी हो तो हमने सबसे पहले गनों का फॉर्मूला लगा के गेन निकालना है। वाई के रिटायर करने की वजह से एक्स और जेड ने गेन करा। एक्स का नया हिस्सा देखो 2/3 और एक्स का पुराना हिस्सा देखो 4/9। जेड का नया हिस्सा देखो 1/, इन दोनों का टोटल क्या है 3 माइनस जेड का पुराना हिस्सा क्या है 2/, इन तीनों का टोटल क्या है 9। हमारे पास यहाँ पे एलसीएम 9 हो गया 6-4, यहाँ पे एलसीएम 9 हो गया 3-2, 2/9, 1/9, ये हमारे क्या हो गया गेन, ये भी हमारा गेन हो गया। तो अभी गेन होने की वजह से ये हमारा गेन हुआ, अगर दोनों प्लस में आए तो गेन हो गए, अगर माइनस में आता ना सपोज ये -2/9 तो एक्स ने अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करा होना था, तो ये प्लस में आए तो इसलिए गेन। तो एक्स और जेड की मेरे पास गेनिंग रेशियो कैसे आ जाएगी, यहाँ पे 2/9 आया देखो और यहाँ पे क्या आया 1/9, तो मैंने क्या करना है 9-9 काट देना और मेरे पास क्या रह गया 2:1, ये गेनिंग रेशियो हो गई है एक्स और जेड की, ये गेनिंग रेशियो आई। अगर ये माइनस में आता और ये प्लस में तो हम 9-9 नहीं काट सकते थे, तो मेरे पास ये गेनिंग रेशियो हो गई है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस क्वेश्चन में एंट्री डालने वाला हूँ गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गुडविल की एंट्री हमेशा गेनिंग टू सेक्रीफाइस पड़ती है। तो गेन कौन कौन कर रहे हैं यहाँ पे एक्स जेड, एक्स जेड ने गेन करा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड जेड ने भी गेन करा तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो सेक्रीफाइस किसने करा, सेक्रीफाइस करा वाई ने, वाई ने अपना हिस्सा शेयर सेक्रीफाइस करा और उस हिस्से को गेन किसने कर लिया, एक्स और जेड ने, किस रेशो में गेन करा, हमने गेनिंग रेशो निकाल लिया यहाँ पे 2:1। एक्स ने हमारे वाई ने अपना क्या कहते हैं रिटायर कर गया, वाई रिटायर करा और वाई का हिस्सा कौन कौन गेन कर गया, एक्स और जेड दो जाने गेन कर गए। तो हम वाई की पहले गुडविल निकाल लेते हैं, ये एंट्री हम बेसिकली गुडविल के लिए करते हैं। गेन करा एक्स जेड ने और अपना हिस्सा त्यागा किसने, वाई ने, जो बंदा रिटायर करा। तो हम वाई टोटल गुडविल हमारे को क्वेश्चन के ई पॉइंट में 5400 दी है, पूरी फॉर्म की गुडविल 5400 है, फॉर्म की गुडविल इज 5400, बट हमारे को यहाँ पे फॉर्म की गुडविल नहीं वाई की गुडविल बांटनी है। तो वाई की गुडविल कितनी होगी 5400 इंटू वाई का हिस्सा कितना था, वाई का हिस्सा था 3/, टोटल क्या है तीनों का 9, दैट इज 3 × 3 मेरे पास 1800 आ गया। 1800 अब बांटा जाएगा किस रेशो में, गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो क्या है देखो 2:1, 1800 को हम गेनिंग रेशो में बांटेंगे, गेनिंग रेशो 2:1 है, दैट इज 1200 और 600। इस 1800 को 2:1 में बांटेंगे 1200 600 आ जाएगा। तो ये हमारी गुडविल की एंट्री हो गई है, ये वर्किंग नोट हो गया इस क्वेश्चन के लिए। जब भी आपको ओल्ड रेशो न्यू रेशो दियो गनों का फॉर्मूला लगा के आप गेनिंग रेशो निकाल लेंगे, गेनिंग रेशो निकालने के बाद आप एंट्री डाल लेंगे कौन सी, गुडविल की, वाई रिटायर करा उसका शेयर कौन गेन कर जाएगा एक्स और जेड। सो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट, तो हमने गुडविल
फर्म की दी थी, वाई की गुडविल निकाल ली, जो बंदा रिटायर करा 1800 1800 को गेनिंग रेशियो में बांट दिया। तो ये वर्किंग नोट हो गया जो आपको काफी हेल्प आउट करेगा इस क्वेश्चन में। तो अब इस क्वेश्चन का जो सा सोल्यूशन शुरू हो रहा है कुछ इस तरह से। क्वेश्चन के सोल्यूशन में बच्चों सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा। सो जब भी क्वेश्चन आ जाए आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, आप अपनी कॉपी में साथ साथ बनाते जाए। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट को ध्यान से देखिएगा। तो हम यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने लगे। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट आई एम गोइंग टू प्रिपेयर हेयर। यहाँ पे मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट कुछ ऐसे ही होता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट फॉर्मेट इसका ऐसे ही है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने यहाँ पे ऐसे ही लिखना है, पर्टिकुलर्स अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना रहे हैं तो आपने कुछ इसी तरह से लिखना, पर्टिकुलर्स अमाउंट। पर मैं यहाँ पे पता क्या लिखूंगा, नुकसान अमाउंट फायदा अमाउंट। यहाँ पे मैं नुकसान और फायदा वाला कंसेप्ट लिखूंगा। इस तरफ जितने आपने पेपर में पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखना, मैंने यहाँ पे नुकसान अमाउंट फायदा अमाउंट लिख दिया। तो आपका ये फॉर्मेट रहेगा। आपके पहले पॉइंट में लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई 10% से। देखो पहले एडजस्टमेंट में बोला लैंड बिल्डिंग 15,000 की थी, एप्रिशिएट मीन्स फायदा हो गया। आपने लिख देना बाय लैंड एंड बिल्डिंग आपका फायदा होगा 10% से। 10% कितना हो गया मेरे पास, 10% ऑफ बिल्डिंग कितने की थी मेरे पास, 15,000 की, 1500 का फायदा हो गया यहाँ पे लिख दिया। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। हमारे को क्वेश्चन में बैलेंस शीट में देखिएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 105 के दिए, वो चाहिए ही नहीं है। मींस तुम्हारा फायदा हो गया, तुम्हारे को पहले उम्मीद थी पैसा डूब जाएगा 105 रुपए, प्रोविजन का मतलब यही है। तो सारे डेटर्स गुड हो गया, तो जो तुम्हारा पैसे डूबने वाली उम्मीद थी वो खत्म हो गई है, तो वो फायदा हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट खत्म हो गया। इसीलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मैंने यहाँ पे फायदे वाली तरफ डाल दी, 105 रुपए का फायदा हो गया। उसके बाद स्टॉक एप्रिशिएटेड बाय 20%, ये भी फायदा एप्रिशिएट हो रहा है, तो हम लिखेंगे बाय स्टॉक, स्टॉक एप्रिशिएट हो गया 20% से, 20% ऑफ 4800, 4800 का 20% कर देंगे, 20/100 ऐसे जीरोस कट गई, 2 8 16 1 4 2 8 1 960, यहाँ पे मैं 960 लिख दूंगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन में और कोई एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट वाली नहीं दी है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब बेसिकली अब ये करा जाएगा, अब हम टोटल करने वाले हैं। सो टोटल करते हैं हम इसका। मेरे पास यहाँ पे टोटल आ रहा है 2565, इस तरफ टोटल बड़ा आ रहा है, बड़ा टोटल इस तरफ लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का 2565, यहाँ पे भी 2565। बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आ रही है मेरी, इस तरफ, इसे हम कहेंगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। अगर इस तरफ आई होती तो मेरे पास यहाँ पे रिवैल्यूएशन लॉस होनी थी। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। जब भी बैलेंसिंग फिगर हमारे पास यहाँ पे हो तो हम उसे कहते हैं 2 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स। याद रखिएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2565 आ गया, आपने एक्स वाई जेड में ओल्ड रेशियो में बांट देने। 2565 वाले हम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को 4:3:2 में बांट देंगे। सो मेरे पास एक्स वाई जेड का बांटेंगे, एक्स वाई जेड की ओल्ड रेशियो देखो स्टार्टिंग में दी हुई थी, कितनी दे रखी थी, 4:3:2। मैंने इसी 2565 को 4:3:2 में जब बांटा मेरे पास आ रहा है 1140, देन मेरे पास दूसरी बार आ रहा है 855, देन जेड का आ रहा है 570। तो मैंने इसको 4:3:2 में 2565 को बांट दिया। अब इसके बाद, इस चीज के बाद हम, मैं बनाने वाला हूं इधर, मींस आप याद रखिएगा ये हमारा क्या बना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप प्लस वन में आपको सिखाया था इस तरफ डेबिट लिखते हैं, इस तरफ क्रेडिट लिखना बहुत जरूरी है। और ये चीज याद रखिएगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अगर इस तरफ आया, बैलेंसिंग फिगर इस तरफ है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, इस तरफ आया रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को ओल्ड रेशो में ही बांटते, अगर रिवैल्यूएशन लॉस होता तो भी ओल्ड रेशो में ही बांटते। तो अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वाले, फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ध्यान से देखिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वाला,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर्स थे एक्स वाई जेड, ऐसे तीन पार्टनर, मैंने ऐसे लिख दिया एक्स वाई जेड, ऐसे एक्स वाई जेड, फिर यहां पे भी ऐसे ही लिख दूंगा एक्स वाई एंड जेड, तीन पार्टनर्स थे, यहां पे लिख देते हैं पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड। सबसे पहले यहाँ पे इस तरफ को डेबिट साइड कहते हैं, याद रखना, इस तरफ क्रेडिट साइड। सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ऐसे बीडी। बैलेंस हमारा कितना ब्रॉट डाउन है क्वेश्चन में, 12,000, 9,000, 6,000, बैलेंस शीट में दिया हुआ है। बैलेंस शीट में ना कैपिटल्स का बैलेंस 12,000, 9,000, 6,000 दिया, लाइबिलिटी साइड 12,000, 9,000, 6,000 यहाँ पे तो मैंने लिख दिया। उसके बाद ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स जो उनसे हमने ओल्ड रेशो में बांटे थे वो इधर क्रॉस शिफ्ट होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, मैंने यहाँ पे लिख दिया रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1140, देन 855, देन 570, ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इधर आ गए। उसके बाद मेरे बच्चों याद रखिएगा, हमारी अगली जो सी बैलेंस शीट में देखते हैं क्या क्या चीज फेंकने वाली है। हम आपको बताया हुआ है पांच चीजें फेंकते हैं बैलेंस शीट में से, गुडविल, अगर बैलेंस शीट में गुडविल हो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जनरल रिजर्व, मींस क्रॉस करते हैं वो, इस क्वेश्चन में है नहीं कोई ऐसी चीज, अगले किसी क्वेश्चन में आ जाएगी तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सो ये पांच चीजों को ओल्ड रेशो में फेंकते हैं जो कि फेंकने वाली नहीं है यहाँ पे। अब एक वाइज लोन दिया हुआ है, ये फेंका जाएगा यहाँ पे एसेट साइड पे ना, किसी भी पार्टनर का लोन हो ना तो वो बैलेंस शीट से कैपिटल अकाउंट में क्रॉस होके फेंकता है। ये देखिए इधर दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में ना, आप अपने एक बुक में देखिएगा एसेट साइड की लास्ट चीज में 20,000 रुपया वाइज लोन दिया हुआ है, तो वाइज लोन है हमारा, इसको मैं फेंकूंगा इधर, टू वाइज लोन क्रॉस करके, वाइज लोन इधर दिया हुआ 20,000, ये जाएगा उस तरफ क्रॉस, जैसे ये क्रॉस होके इधर आया ना तो वाइज लोन भी क्रॉस होके उधर जाएगा उस तरफ, तो मैं लिख दूंगा टू वाइज लोन, और मेरे पास वाइज लोन कितना है 20,000, तो यहां पे मैंने फेंक दिया, बैलेंस शीट से फेंका गया। अब उसके बाद अगली चीज क्या होगी, और बैलेंस शीट से कोई चीज फेंकने वाली बची नहीं है। हमने याद करो स्टार्टिंग में एंट्री डाली थी एक्स वाई एक्स जेड टू वाई, इसको कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं, मींस दोनों तरफ जाएगी, मींस एक्स डेबिट है, जेड डेबिट है, वाई क्रेडिट है, तो मैं क्या लिखूंगा, बाय एक्स कैपिटल बाय वाइज कैपिटल बाय जेड कैपिटल। देखो उधर एक्स जेड टू वाई है ना, एक्स डेबिट जेड डेबिट टू वाई, ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई है, बाय एक्स कैपिटल बाय जेड कैपिटल टू वाइज कैपिटल, इस तरफ टू वाइज कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। बच्चों को ना इसके अंदर वैल्यूज डालनी बड़ी मुश्किल लगती है, एक्स और जेड की उल्टी तरफ क्या देखो वाई, तो हम x और z की उल्टी तरफ y है ना, तो वैल्यूज हम y के अंदर डालेंगे यहां पे ना, ये वैल्यू सारी y के, और y की उल्टी तरफ क्या x z, तो मींस अब हम वैल्यूज इधर x और z के अंदर डालेंगे। याद रखिएगा x और z की उल्टी तरफ y है, तो यानी ये y में डालेगी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू y में जाएगी, y की उल्टी तरफ x z है, मींस वैल्यू x के अंदर जाएगी और z के अंदर जाएगी, तो है कितनी एंट्री में वैल्यू, देखो कितनी है x के आगे 1200, 1200 है ना, तो एक्स जेड की उल्टी तरफ वाई है तो 1200 चला गया इधर। अब जेड के आगे देखो वैल्यू क्या, जनरल एंट्री में 600, तो वाई के अंदर 600 चला गया, और वाई के उल्टी तरफ क्या था एक्स जेड, तो हमारा एक्स के अंदर 1200 और यहां से 600 चला गया, तो हमने एंट्री पोस्ट कर दी है। अब उसके बाद, उसके बाद जरा ध्यान से देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा, उसके बाद आपको एक पॉइंट है डी पॉइंट, जरा ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन में बोल रहा है एक डी पॉइंट दिया है, तो अब ये डी पॉइंट की ना एक जनरल एंट्री पड़ेगी, जरा ध्यान से देखिएगा, ये डी पॉइंट में बोल रहा है कि एक ऐसी गलती हो गई है कि वाई को हमने ज्यादा, गलती से पहले कभी ना हमने एंट्री डालते हुए, मैं इसकी वर्किंग नोट वाली एंट्री इधर बना रहा हूँ, ये हमारे डी पॉइंट की है। आपके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपने गलती कर दी है पहले मीन्स, यानी जब एंट्री बना रहे, अकाउंट्स बना रहे थे, तो गलती से क्या कर दिया, डी पॉइंट के अकॉर्डिंगली वाई को ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो गलती सुधारने के लिए वाई को डेबिट कर देंगे, वाई के कैपिटल को ज्यादा क्रेडिट कर दिया हमने, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, ज्यादा क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, डी पॉइंट के अकॉर्डिंगली
वाई को हमने ज्यादा क्रेडिट कर दिया तो गलती ठीक करने के लिए डेबिट कर देंगे, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू, एक्स और जेड को वो कहते हैं हमने क्या कर दिया, कम डेबिट कर, मींस डेबिट ज्यादा कर दिया, वाई को ज्यादा क्रेडिट कर दिया तो गलती सुधारने के लिए क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, डी पॉइंट में वाई को ज्यादा क्रेडिट कर दिया था तो हमने उस गलती को सुधारना था, तो वाई को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। एक्स जेड को वो कह रहे हैं कि हमने ज्यादा डेबिट कर दिया तो उसको सुधारने के लिए, गलती सुधारने के लिए टू एक्स कैपिटल टू जेड कैपिटल लिख देंगे यहाँ पे, टू एक्स कैपिटल टू जेड कैपिटल। वाई को ज्यादा क्रेडिट करा था गलती सुधारने के लिए डेबिट कर दिया, एक्स जेड को ज्यादा डेबिट करा तो गलती सुधारने के लिए क्रेडिट कर दिया। तो आपको क्वेश्चन में दिया कितना है, वैल्यू ये 420 दे रखी है, 390 दी हुई है, तो इन दोनों का टोटल 810 ही हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे इस जनरल एंट्री को, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री हुई। अब इसकी पोस्टिंग कैसे होगी, बाय वाई टू एक्स टू जेड, देखो इसकी पोस्टिंग बाय वाई इज कैपिटल, मैं थोड़ा इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, तो मेरे पास इस चीज की पोस्टिंग कुछ इस तरह से हो जाएगी, बाय वाई इज कैपिटल, बाय वाई इज कैपिटल टू एक्स कैपिटल टू जेड कैपिटल, मेरे पास इस चीज की पोस्टिंग ऐसे हो रही है, बाय वाई इज कैपिटल टू एक्स टू जेड। सो अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां से पोस्टिंग करी बाय वाई टू एक्स टू जेड, ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी, जब भी कैपिटल कैपिटल हो ना डेबिट क्रेडिट में तो वो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होती है। अब वाई की उल्टी तरफ देखो क्या है यहाँ पे, एक्स जेड मीन्स हमारी वैल्यू जाएगी एक्स और जेड के अंदर, यहां पे मैं थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूं वाई कैपिटल, तो अब y की उल्टी तरफ देखो क्या है xz, तो xz के अंदर वैल्यू जाएगी, यानी y के अंदर, और xz की उल्टी तरफ क्या देखो, मींस xz की उल्टी तरफ क्या है y, तो सारी वैल्यूज किसके अंदर चले जाएंगी, y के अंदर, ये वैल्यूज y के अंदर, y की उल्टी तरफ xz है तो xz के अंदर वैल्यू जाएगी, xz की उल्टी तरफ y है तो y के अंदर वैल्यू जाएंगी। तो हमारे पास y के उल्टी तरफ x और z था, तो x और z में कितना चल जाएगा, 420 390, और x z की उल्टी तरफ y है तो हमारा कितना चले जाएगा, 420 390। तो अब ये भी पॉइंट हो गया हमारा, इसके साथ हमारे क्वेश्चन के सारे सारे के सारे पॉइंट्स हो गए, इसके साथ हमारे क्वेश्चन के ऑलमोस्ट सारे के सारे पॉइंट हो गए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। सो अब हम इसको सॉल्व करने वाले और इसकी सॉल्यूशन को ध्यान से देखना, हमारे पास अब हम टोटल करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हम यहाँ पे टोटल करने वाले हैं, यहाँ पे टोटल करा जाएगा, टोटल करके आ रहा है मेरे पास यहाँ पे 13560, इतने भी 13560 लिखूंगा बड़ा टोटल, इस तरफ भी 13560, फिर उस तो बाद आहा टोटल जो आहा माइनस 1200 माइनस करिया साडे कोल टू बैलेंस कैरिड डाउन बच जाएगा, किन्ना कर 13560 दे विचों आ माइनस करिया 1200, मेरे कोल आ गया 12360, इत्थे 12360 लिखता। हुण मैं इन्ना दा टोटल कर, मैं फिर जेड दा कर लैणा, वाई वाला आपां बाद च दी करदे क्योंकि बंदा रिटायर करे, जेड दा टोटल करके आया मेरे कोल इत्थे 6960, 6960, इत्थे भी मैं की लिखांगा 6960, 6960 जो है 600 माइनस कर देता जाएगा, वो टू बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा, कितना है टू बैलेंस कैरिड डाउन 6960 जो 6930 अपने को ला आ गया। हुन आप करांगे इस पास से दा टोटल, इस पास से दा मेरे को टोटल आ रहा है 20810 आई थिंक, एक बारी कर दें आप इनका टोटल। सो अपने को हुन इनका टोटल कर दें, टोटल इस पास से दा वड्डा आ रहा, देखो 20810 रुपए इस पास से दा टोटल आ रहा वड्डा, ज्यादातर हमेशा इस पास से दा वड्डा हुंदा टोटल, साडा इत्थे 20810 रुपए आ रहा, तां मैं इत्थे 20810 लिख दिता। सो 20810 इत्थे भी 20810 लिखांगा, 20810 चों आह सारियां चीजां मैं माइनस कर देनी है, सो 20810 दे विचों दी मैं आ सारियां चीजा माइनस कर दांगा, 9855 1200 600, वैसे तो बैलेंसिंग फिगर जदों इत्थे होंदी है 90% सिचुएशंस,
बैलेंसिंग फिगर इतनी आती है जी। बैलेंसिंग फिगर जो तो बंदा रिटायर करता ना उनकी बैलेंसिंग फिगर पता की होंगी टू वाइज लोन यानी इतने आ जाती। पर एक क्वेश्चन थोड़ा अलग है इन की है बैलेंसिंग फिगर इतने आ रही है एंड वो कह रहे कि सारा हिसाब किताब की है अकाउंट पैसा सारा हिसाब किताब ऑन द स्पॉट पैसे के नाल कर मीन इतने बैलेंसिंग फिगर बाय बैंक हो गई हूँ 20,810 इस पास का टोटल व्डा सी दोनों पास लिखा 20,810 चो आ चीज़ा माइनस करती हैं मेरे को बाय बैंक आ गया कि आ गया 9,155। वैसे जिहड़ा बंदा रिटायर करता उनकी बैलेंसिंग फिगर 95% क्वेश्चन इस तरफ ही आती है जे इतने आती तो असं की लिखना सी टू वाइज लोन इतने लिख देना सी पर बैलेंसिंग फिगर साड़ी इतने आ रही है तो असं इतने बाय बैंक लिख दिता तो जिहड़े बंदे रिटायर नहीं करे उन्हों का बैलेंस कैरीड डाउन बैलेंसिंग फिगर होंगी है आ बैलेंस कैरीड डाउन इन्हों का बैलेंसिंग फिगर आ गया एक्स ते जेड क्योंकि रिटायर नहीं करे। हुण मैं तुहानू बैलेंस शीट बनानी सिखा रहा इस क्वेश्चन की। सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो मैं बैलेंस शीट बनाने वाला थोड़े लिए बैलेंस शीट इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट नू ध्यान नाल देखना। सो बैलेंस शीट का फॉरमेट यू ऑल नो लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट फॉरमेट इज लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट एसेट्स अमाउंट ये फॉरमेट बनाया। क्वेश्चन च देखो सब तो पहला तुहाडे कोल कैश एट बैंक 3300 दिता है। सो मैं कैश एट बैंक 3300 देखना हूँ कैश एट बैंक 3300 लिखूंगा। सो कैश एट बैंक 3300 जो तुम इदा लिखोगे ध्यान न देखियो गलती की होगी कैश एट बैंक 3300 जो कि तुम बैलेंस शीट से दिता 3300 दिता ना देखो बैलेंस शीट से 3300 पहली चीज वो 3300 के नाल देखना जेड़ा इस तरफ जो कैश हो या बैंक हो प्लस वो माइनस कर दीदा इस तरफ बैंक या कैश हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स प्लस कर दीदा इस तरफ कि आ रहा साढ़े को 9,155 वो प्लस कर दिता बैंक ही सी ना कैश एट बैंक यानी याद रखना थोड़ा बैलेंस शीट से इन्ना दिता सी जे इस तरफ बैंक होएगा वो तुसी प्लस करोगे जे इस तरफ बैंक होंगे ना कितने भी वो माइनस कर देना सी जे इस तरफ होंगे इस तरफ है तो कंपनी च पैसा आंदा पार्टनरशिप च पैसा आंदा जे इस तरफ है जे इस तरफ बैंक होंगे तो पार्टनरशिप चो पैसा जाता होना सी। सो असी ये प्लस करिया साढ़े को आ रहे 549 प्लस 312 13455 आ गए। फिर उस तो बाद सन्डरी डेटर्स सन्डरी डेटर्स दिते ने 3045 नाल बैलेंस शीट से प्रोविजन माइनस है 105 पर साड़ी प्रोविजन तो खत्म ही होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आप रिवैल्युएशन अकाउंट्स करया सी ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट साड़ी खत्म हो गई। सो असी बैलेंस शीट से चाहे प्रोविजन लिखी है हूँ असी लिखनी नहीं है 3045 ही लिखना क्योंकि साड़ा जो डर वो खत्म हो गया कि साड़ा पैसा 150 रुपया डुबूगा हूँ डुबूगा ही नहीं। उस तो बाद स्टॉक बैलेंस शीट से स्टॉक दिता तुम बच्चों 4800 पर थोड़ा स्टॉक रिवैल्युएशन अकाउंट्स कि वध चुका 960 सो असी प्लस 960 करा। सो मेरे को आ रहा 9+8=17 5760। फिर स्टॉक तो बाद देखियो प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी साहब वैसे तो थानू क्वेश्चन दे विच मैं तो पी एंड एम लिख रहे वैसे तो बैलेंस शीट्स की नहीं दिती है 5100 क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कोई वधी घटी नहीं है आप 5100 ही लिख देवे। प्लांट एंड मशीनरी तो बाद लैंड एंड बिल्डिंग इनकी वैल्यू वधी सी 1500 15,000 से की बैलेंस शीट 1500 नाल एप्रीसीएशन हो गई इतने 1500 ऐड कर देंगे 16,500 आ गया। सो नूं पता कितना शो कर दो 15,000 इदा लिख दो लैंड एंड बिल्डिंग मैं इतने तुम दसदा शो कि करना एल एंड बी 15,000 ऐड एप्रीसीएशन इदा ऐड एप्रीसीएशन 1500 की एप्रीसीएशन हुई एंड तुसी बार नूं कितना लिख देना 16,500 इदा इस तरीके नाल शो कर दो। उस तो बाद मेरे बच्चों तुहाडे कोल की है लैंड एंड बिल्डिंग भी हो गया वाइज लोन तो खत्म ही हो गया साडे कोल क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वायदा तो कोई लोन ही नहीं रहा तो उस तो बाद अपने कोल आ रहे हैं हूँ इधर लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स च कोई फर्क नहीं पाया साडे क्रेडिटर्स उन्ने दे उन्ने ही है 24140 क्रेडिटर्स च कोई फर्क नहीं है। कैपिटल्स साडे हुण पहला तो एक्स वाई जेड की कैपिटल दिती है
पर हुण साडे पार्टनर ही केड़े रह गए, एक्स रह गया ते जेड रह गया, वाई तां रिटायर ही कर गया, ते हुण साडे कोल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दे अकॉर्डिंगली एक्स दी कैपिटल किन्नी रह गई है 12,360। मैं इत्थे 12,360 लिख दिता, ते जेड दी कैपिटल किन्नी रह गई है 693, सॉरी मेरे कोल इत्थे आया सी 6960, जो आपां 600 माइनस करिया 6360, 6360 आ गई सी इत्थे, इत्थे मैं 6360 लिखता, 6960 चो 600 माइनस करिया 6360 आया, तां मैं इत्थे लिख दिता 6360। हुण मेरे कोल वाई तां रहा ही नहीं, तां मैं वाई दी कैपिटल लिखा ही क्यों, इन्हां दोनों नूं प्लस करके आ रहा 18,720। सो हुण साडा क्वेश्चन खत्म होण लगा, असीं टोटल करांगे, होर कुछ भी नहीं बचिया, साडा दोनों पासे दा टोटल मैच कर रहा 42,860, 42,860, यानी क्वेश्चन अपना सही है, टोटल मैच करना चाहिए एंड मैच भी कर रहे, क्वेश्चन खत्म हो गया। सो इन एक चीज़ अलग सी बैलेंस शीट, तुम वैसे बैलेंस शीट क्वेश्चन 3300 कैश एट बैंक दिता सी, तुम दसिया जो इस तरफ बैंक होए तो प्लस करना, जो इस तरफ बैंक होए तो माइनस करना। सो अपने को इतने वैसे तो जो बंद रिटायर करता उनकी बैलेंसिंग फिगर वाइज लोन होंगी है, पर ऐतकी इस तरफ बैलेंसिंग फिगर नहीं, साड़ी बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आई है, तो उन ये भी कह दिता कि उनका सारा हिसाब किताब ऑन द स्पॉट खत्म हो गया, मीनस बाय बैंक आऊगा इतने, जो भी कहेंगे ना ऑन द स्पॉट का बैलेंसिंग फिगर सारा कुछ हिसाब किताब पूरा करता, बैलेंसिंग फिगर बैंक ही होंगी है, पर जो थोड़ी बैलेंसिंग फिगर इतने होंगी तो थोड़ा क्वेश्चन च ना क्या होंगे कि हिसाब किताब पूरा चकता कर दिता, तो इतने बैलेंसिंग फिगर वाई की होनी सी, टू वाइज लोन होनी सी बैलेंसिंग फिगर इतने। सो अपना क्वेश्चन खत्म हो गया, दैट्स इट।